बात करता हूँ जो मंदिर के अध्यक्ष। तो रामनवमी के अवसर पे जो है 31 तारीख को भव्य शोभा यात्रा निकाला जा रहा है, उस पर क्या तैयारियाँ हैं? सबसे पहले आप सभी राम भक्तों को जय श्री राम। तो हर साल की तरह इस साल भी रामनवमी शोभा यात्रा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल नालंदा के द्वारा निकाली जा रही है। इस बार सभी श्रद्धालु से नम्र निवेदन है और साथ ही साथ चंदन बंदन और अभिनंदन है। यह शोभा यात्रा में सभी हिंदू भाई एवं माताओं बहनों सब अपने अपने घर से निकलकर इस भव्य शोभा यात्रा को और भी शोभा बनाए। सभी राम भक्तों को वंदे मातरम, जय श्री राम। इस बार रामनवमी शोभा भव्य जो इस बार 31 मार्च को निकाली जा रही है विराट रामनवमी शोभा यात्रा, उसमें हमारे जगह बहुत सारे बाहर से कलाकार आ रहे हैं, कलकत्ता से कलाकार आ रहे हैं, मुंबई से कलाकार आ रहे हैं। कुछ लोग होते हैं भारत में एक ही दो लोग ऐसे जो बजाने में सबसे महारत है, वैसे चुनिंदे चुनिंदे लोग आ रहे हैं शहर में अपने पास। झांकियां कानपुर से आ रही है, हमारे श्रद्धालु जितने भी आएंगे उनके लिए हम लोग व्यवस्था, मेडिकल का व्यवस्था किया गया है, हर जगह पानी का व्यवस्था किया गया है। हम लोग की ओर से दुर्गा वाहिनी जो हमारी बहनें हैं वो तलवार लहराते आपको रोड पे दिखेंगी। इतना ही नहीं, जितना जूडो कराटे वाले लोग हैं वो भी आप लोग को सुरक्षा और प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे। हमारे जिम के जो जितने भी लोग हैं वो लोग सुरक्षा में रहेंगे। हर एक जगह से अनेक झांकियां निकाली जा रही है। इसी के साथ आप लोग से निवेदन है, आवेदन है कि आप लोग आइए 31 तारीख को और विराट शोभा यात्रा को सफल कीजिए। सारे हिंदू 31 मार्च को आकर दुकान बंद कर इस शोभा को सफल कीजिए। सभी को वंदे मातरम जय श्री राम। चाहिए जो जरूर में जाएंगे, चाहिए मैं हनुमान मंदिर में ना के ले सकते हैं। प्रत्येक वर्ष की तरह भी इस वर्ष भी श्री हनुमान मंदिर अम्बेर चौक के प्रांगण में 24 घंटों का अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया है। ये अखंड कीर्तन 29 मार्च 2023 दिन बुधवार को किया जा रहा है। उसके पश्चात ध्वजा आरोहण का भी कार्यक्रम किया जाएगा। और मैं इस टाइम हूँ बिहार शरीफ में कचहरी में, आप देख रहे होंगे। रामनवमी का तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ सेलिब्रेट होने वाला है, उसका तैयारी अभी से स्टार्ट हो गया है। और मेरे पीछे एक मंदिर है जो कि बजरंग बली का मंदिर है, वहाँ पे और भी ज़्यादा मतलब भव्य रूप से सजाया गया है। अम्बेर मोड़ पे ये मूर्ति है। रामनवमी के अवसर पे जो भव्य शोभा यात्रा निकाला जा रहा है उसके लिए स्पेशल एक टी शर्ट बना गया है और टी शर्ट भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। पूरा बिहार से मतलब सजा दिया गया है रामनवमी के अवसर पर।